नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांदा में कलयुगी बेटे ने माँ बाप की गला दबाकर हत्या कर दी है और घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरी घटना की पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करहिया गांव का है, जहां की रहने वाले मयादीन पुत्र दिगपाल वर्मा उम्र 78 वर्ष, रामकली पत्नी मयादीन उम्र 70 वर्ष, दोनों का शव उनके घर की चारपाई में लेटे हुए बरामद हुआ। मृतक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद से 2003 में सेवानिवृत्त व वर्तमान में पेंशनर थे। शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। नाक और मुंह से खून निकलता हुआ पाया गया है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि दोनों की गला दबाकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट समेत घटना की जांच में जुटी हुई है। घटना की जांच व पंचायतनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि दंपत्ति की मृत अवस्था पर घर के अंदर शव पाया गया है और जानकारी हुई है कि संपत्ति को लेकर अक्सर इनका पुत्र जो साथ में रहता था वह इनसे लड़ता झगड़ता रहता था। घटना के बाद से इनका पुत्र घर से गायब है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुत्र ने ही गला दबाकर घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गया है। फिलहाल बेटे की तलाश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? क्या कैसा मामला है यहाँ पे? पापा मेरे रात को एक्सपायर हुए हैं और संदिग्ध अवस्था में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी पूरी वो हो कि मतलब ये मरे कैसे, क्या हुआ इनको, आखिर क्या खिलाया गया है या कैसे ऐसे हुआ है। बस आपके पिताजी का नाम? मैयादीन। और माता का? रामकली। प्रधान भी थी, पूर्व प्रधान थी। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हत्या की गई है इनकी। अच्छा, किस वजह से? कोई वजह? वजह तो अब ये जब पता चले तब तो कि मतलब वो हुआ है, पर हत्या की गई है, क्योंकि तो जब मैं कल गया था तब ये स्वस्थ थे, अच्छी तरह थे और कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कोई वाद विवाद पहले? वाद विवाद कुछ नहीं था पहले, बस पारिवारिक मामला हो सकता है या कोई मतलब, अब ये तो ये जाने क्या है क्या नहीं है अपना आपस में। आपको किसी पर शक नहीं? सब क्या, जब ये पता चल जाएगा कैसे क्या है क्या नहीं है, मैं थोड़ा इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। बस मामला कहाँ का है? ये कौन सा गांव है? करहिया देहात। ये आज कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक गांव में जो है एक भैयादीन करके है, मैयादीन, उनका लगभग उम्र 75 साल होंगे और उनका वाइफ का, दोनों का जो है वो हत्या करने का सूचना थाना कोतवाली देहात पर दी गई है। सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली तत्काल मौके पर आए थे और इसके बाद इंस्पेक्टर के द्वारा सूचना मिलने पर एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ सब लोग हम लोग मौके पर आए हैं। तो जो सूचना का जो लोगों से पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया ये जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो उसमें जो मृतक जो है ये एक बाल पोषक विभाग में नौकरी करता था पहले, तो रिटायरमेंट होने के बाद इनका पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ, उसमें पैरालाइज होकर फिर बेड रिडन हो गया था। इसका पांच बच्चे हैं, पांच बेटे और दो बेटियां। तो पांचों बेटों में सबसे छोटे वाला जो बेटे हैं वो यहीं इसी घर में रहता था। तो अब जो जानकारी, जो गाँव वालों से जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका पैसा को लेके एक इनके मन में क्लेश था। और कल भी ये जितेंद्र के द्वारा शराब पीने वाला बात भी ये जानकारी मिल रहा है, तो ये भागा हुआ है इस समय जो है वो। सर, हत्या की मुख्य दृष्टि क्या सामने आ रही है? अभी पैसा का ही बात आ रहा है, क्योंकि जो रिटायरमेंट का पैसा भी है इनके पास और साथ में जो है ये इनका एक ट्रैक्टर भी और एक ट्यूबवेल भी है, तो बाकी भाइयों के कंपैरिजन में घर में जो रह रहा है इनके दिमाग में कहीं ये बात होगा, तो अभी उनसे पूछताछ करने पर और बातें स्पष्ट होगी। क्या अभी गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ क्योंकि वो फरार है, बाकी चार भाई। तो किस तरह का मामला हुआ है यहाँ पर आज? देखिए, थाना कोतवाली देहात के करहिया गाँव है, करहिया, जिसमें कि आज हम लोग को सूचना मिली कि घर में एक वृद्ध कपल जो है
लगभग 80 साल से ऊपर की उम्र है दोनों लोगों की। उनकी डेड बॉडी उनके घर में है। तत्काल उस सूचना पर हमारी फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर आए हैं। पूरे सीन ऑफ क्राइम को देख के ये पता चल रहा है कि किसी ने उनके गला दबा के, प्राइमरी फेसिंग लग रहा है कि गला दबा के उनकी हत्या की है, और कोई वहाँ पर सीन ऑफ क्राइम पर डिस्टर्बेंस नहीं है। और उनका जो लड़का है, एक लड़का है उनका जो कि उनके साथ रहता था और उसके बाद से ही वो फरार है, इसके साथ लगातार उनकी विवाद बना रहता था और अभी तक ये बताया जा रहा है कि उसने ही उनकी हत्या की है और वो तब से फरार है। सर कोई वजह जानकारी मिली है? लगातार वो इस बात को लेकर नाराज़ रहता था कि वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा देते हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा और उसको कम देते हैं। इस चीज़ को लेकर पहले भी विवाद था और संभावना यही है कि इसी विवाद के चलते कल रात में झगड़ा हुआ और उसके बाद सोने की ही दशा में उनका गला दबाया गया है। बाकी आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर चीज़ें क्लियर होंगी।